नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वादी में आर पार। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब सियासी जंग तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और इसीलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक रवैया अपनाने की रणनीति पर अमल कर रही है। पहले चरण की बात करें तो मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधना शुरू कर दिया तो स्टेट हुड से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं और बीजेपी इस बार चुनाव में आर्टिकल 370 के साथ विकास के साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर अपना फोकस रखने वाली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अहम पार्टियों के बीच मचे घमासान और सियासी बदलाव पर पेश है हमारी खास पेशकश वादी में आर पार। वादी में चढ़ा सियासी पारा। राहुल गांधी ने संभाली कमान। उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। पीएम मोदी जल्द करेंगे प्रचार। चुनाव में युवा चेहरों की बहार। बदल रहा सियासी मिजाज। किसके सिर सजेगा ताज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे को लेकर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के केंद्र के बीजेपी की सरकार के फैसले पर सवाल करते हुए उन्होंने उस पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी के प्रचार अभियान से यह तो साफ हो गया कि कांग्रेस इस बार बीजेपी पर अपनी आक्रामकता को बनाए रखने की रणनीति पर अमल कर रही है। राहुल गांधी के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के लिए सियासी माहौल तैयार करने में प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अहम रोल अदा करने वाले हैं। कांग्रेस का प्रचार अभियान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए जम्मू के रामबन में जनसभा को संबोधित करते हुए इसका आगाज किया। जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी अभियान को धार देते हुए राहुल गांधी ने स्टेटहुड, बेरोजगारी और बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा छीन कर यहाँ के लोगों के अधिकार को छीना गया है और लोगों को उसका हक दिलाना कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों का बंटवारा कई बार हुआ है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का स्टेटहुड छीना गया है। बीजेपी पर हमले तेज करते हुए राहुल गांधी ने उस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि स्टेटहुड को छीनकर असल में जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को छीना गया है। राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिले फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। उनका कहना है कि पहले चुनाव होगा फिर राज्य के दर्जे पर बात होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ है नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ है मोहब्बत और सम्मान। उन्होंने कहा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले जिसमें हमने नारा दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, लेकिन बीजेपी नफरत फैलाती है। वे तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपका धर्म और आपका सब कुछ छीना जा रहा है और सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बिजली के प्रोजेक्ट का फायदा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज बेरोजगारी फैली हुई है। घाटी में युवा बेरोजगार हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। राहुल गांधी की रैली के बाद जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सीनियर लीडर सियासी रण में उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन है। अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाले
फारूक अब्दुल्ला का सुर बदल गया है और उनका कहना है कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो सियासी बदलाव आया है उसी पर गौर करते हुए गठबंधन की जरूरत बताई जा रही है। जम्मू रीजन में कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है और कश्मीर में एनसी खुद को सशक्त मानती है। हालांकि ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में एनसी को कश्मीर रीजन में जोर का झटका लग चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने ही गढ़ में चुनाव हार चुके हैं। और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ नफरत हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा। पूरे देश में ये लोगों को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम से मुस्लिम को सिख से, सिख को क्रिश्चियन से। फिर हरियाणा में जाट नॉन जाट, मणिपुर में किसी और को लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी और को लड़ा देंगे, जहां भी ये जाते हैं, या एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे। तमिलनाडु में जाके कहते हैं भैया आप तमिल नहीं बोल सकते, आप हिंदी बोलोगे। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं और लक्ष्य है कि दो तीन लोगों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ा दिया जाए। हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही, अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। चुनाव में मल्टी पार्टी सिस्टम तो भारत में है, तो उम्मीदवार निर्दलीय हों दलीय हों इसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जब कई उम्मीदवार होते हैं और अगर उनके अपने अपने छोटे छोटे वोट बैंक होते हैं तो मैंडेट तो फ्रैक्चर्ड आता है, लेकिन ये जनता पर निर्भर करती है। कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां सैकड़ों उम्मीदवार होने के बाद भी वो उम्मीदवार जो है वो एक उम्मीदवार के पक्ष में मुहर लगाई है। तो उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता किस रूप में सोचती है। जनता अगर अस्थाई सरकार चाहेगी तो फिर इन उम्मीदवारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और जनता अगर भटेगी इन उम्मीदवारों के वोट के तौर पर तो फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की संभावना हो सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। दरअसल आर्टिकल 370 के हटने और वहां पर दर्ज हुए बेहद बदलाव का श्रेय बीजेपी को जाता है, लिहाजा बीजेपी की चुनावी रणनीति इसी पर फोकस्ड है। और कांग्रेस के प्रचार अभियान शुरू करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर भी आएंगे। दरअसल उनका चुनाव का आगाज यहां पर शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जम्मू समेत कश्मीर रीजन में भी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कश्मीर रीजन की बात करें तो बीजेपी भले ही सभी सीटों पर चुनाव यहां पर नहीं लड़ रही है, लेकिन वो चुनिंदा निर्दलीय उम्मीदवारों की बदौलत वहां पर अपनी सीटों को बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। पीएम मोदी का प्लान, विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी के अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के प्रचार की शुरुआत डोडा से हो सकती है। पीएम की जम्मू क्षेत्र के डोडा में कम से कम एक सार्वजनिक बैठक की योजना है। यहाँ हाल ही में कई आतंकवादी हमले हुए हैं। पीएम जम्मू रीजन में दो और कश्मीर घाटी में एक रैली कर सकते हैं। पीएम के चुनावी अभियान का फोकस आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विकास पर रहेगा।
साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा सीटों में एससी एसटी के लिए कोटा भी पीएम के भाषणों के केंद्र में रहेगा। पीएम की होने वाली रैलियों को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसकी तैयारियां तेज हैं। जम्मू कश्मीर के बदले सियासी माहौल पर बीजेपी की नजर टिकी है। बीजेपी यूनियन टेरिटरी में बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है और इसीलिए उसका पूरा फोकस जम्मू रीजन पर है। जम्मू रीजन में बीजेपी ने 35 से 40 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा है। दरअसल 2014 में बीजेपी ने जम्मू रीजन में बड़ी जीत हासिल की थी और इसी आधार पर इस बार भी उसे इस रीजन से बड़ी उम्मीद है। इसके साथ ही कश्मीर रीजन में भी बीजेपी अपना आधार मजबूत करने में सफल रही है। कश्मीर रीजन में कम सीटों पर चुनाव लड़ने और निर्दलीय उम्मीदवारों पर दांव खेलने का फैसला इसी के तहत किया गया है। बीजेपी के कॉन्फिडेंट होने का एक कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को 30 विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट बढ़त मिली थी। बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। जम्मू रीजन लंबे वक्त से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने को वहां का व्यापक समर्थन मिला है। पार्टी यहां अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में आए बदलावों पर जोर देगी। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को तकास देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फरूख साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। युवा इस बार मैदान में है तो वो समझते हैं कि किस तरह से हमें संकीर्ण मानसिकता के दायरे में रखा गया और विकास की रोशनी से मुझे महरूम रखा गया। तो युवा जब विकास केंद्रित योजनाओं को देख रहे हैं और युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, युवाओं को अपने तरीके से कानून बनाने का लेजिस्लेचर में मौका मिलेगा, तो युवा एक नई ताकत देंगे जम्मू और कश्मीर को। तो युवाओं की भागीदारी, वह जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग थे उनसे वो निकलेंगे, क्योंकि युवा वर्तमान में देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, व्यापार देखेंगे, सड़क देखेंगे, गरीबी से निकलता हुआ जम्मू कश्मीर देखेंगे। तो युवाओं के हाथ में कमान दी जाएगी या कमान आएगी, या युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में पार्टियां चुनाव में आजमाएगी, मैं समझता हूँ कि इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तस्वीर पूरे तरीके से बदली हुई है। मुख्य धारा में पार्टियों के साथ ही इस बार चुनावी मैदान में युवा चेहरों की भरमार है। दर्जनों उम्मीदवार हैं और इस बार कई पुराने चेहरों को चुनौती दे रहे हैं। तमाम पार्टियों ने भी इस बार युवा चेहरों पर अपना भरोसा तो जताया है,
साथ ही कई युवा निर्दलीय चुनाव भी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए चेहरों की चुनावी मैदान में होने के अलग सियासी मायने हैं और ये जम्मू कश्मीर की सियासत में दर्ज बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। युवा चेहरों की बहार। एक दशक बाद होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदली हुई है। इस बार चुनाव मैदान में मुख्य पार्टियों के अलावा कई रीजनल पार्टियां और यहां तक कि अलगाववादी लीडर भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें युवा उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ी है। चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह भी चरम पर है। पहले चरण में बड़ी संख्या में युवाओं ने नामांकन कर चुनावी मैदान में हुंकार भरी। सबसे कम आयु की उम्मीदवार मीनाक्षी भगत ने भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में बसपा की टिकट से ताल ठोका है। पहले चरण के चुनाव में नेशनल और रीजनल पार्टियों ने युवा उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। 20 के करीब युवा ऐसे भी हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार के चुनाव में युवा जमाए चेहरों को टक्कर देने की तैयारी में है। इससे कई सीटों पर मुकाबले दिलचस्प होने की संभावना है। कई चुनौतीपूर्ण सीटों पर बड़ी संख्या में युवा और नए चेहरे नजर आएंगे। पीएम की युवा चेहरों को आगे लाने की अपील के बाद कई राजनीतिक दलों को युवा चेहरे आगे लाने पर मजबूर होना पड़ा है। दूसरी तरफ विरासत को बचाने के लिए कईयों को सुरक्षित और गढ़ वाली सीटों पर उतारा गया है। 10 वर्ष बाद हो रहे चुनाव का खुमार वकीलों पर भी चढ़ा है। 16 वकील इस बार चुनाव मैदान में हैं। कई पार्टियां परिवारवाद की बेड़ियों को काटकर बदलाव के रास्ते पर हैं, तो कुछ कुनबे की सियासी डोर बेटे बेटियों को थमा रहे हैं। पीडीपी ने इसकी इल्तिजा मुफ्ती को बीजी बिहाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। पीडीपी में युवा नेता और मीडिया सलाहकार हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री हासिल की है। आप मुझे चुने क्योंकि आपके मसाइल तो मैं हल करूंगी, और जो यहाँ हकीकत है, जिस अजाब शिकस्त से हम गुजर रहे हैं, जो हम पे जुल्म और सितम हो रहा है, वो मैं असेंबली के फ्लोर पे जरूर जाहिर करती रहूंगी। और मैं हमेशा, मैंने सच्चाई का साथ दिया है और मैं सच्चाई का साथ देती रहूंगी। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग ये 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है, 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29, 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, आईआईटी, आईआईएम, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। बीजेपी फिर से एक बार कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर के हितों का केंद्र अनदेखी कर रही है, लेकिन जो वहां के नौजवान हैं उनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, हायर एजुकेशन में बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। लेकिन बीजेपी तो वही कम्युनल कार्ड खेलेगी और वो कहेगी कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिलना चाहिए जो अभी तक केंद्र नहीं दे रही है। तो केंद्र पर हमला करने के साथ साथ विपक्ष, वहां की जो सत्ताधारी पार्टियां होंगी उन पर भी वो हमला करेगी, ताकि केंद्र के द्वारा जो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसकी धार को कुंद किया जाए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव में 200 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और इतने सारे उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। यूनियन टेरिटरी में अहम पार्टियों के अलावा कई रीजनल पार्टियां भी चुनावी मैदान में है और उनका अपना अलग जनाधार भी है, और यही वजह है कि अहम पार्टियों के लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि बहुकोणीय मुकाबले में कौन कहां और कितना असरदार साबित होगा। पहले चरण में सैकड़ों उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान है। इसमें से 16 सीटें दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा,
कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया जिले के अलावा 8 सीटें जम्मू क्षेत्र के चिनाव घाटी क्षेत्र में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले शामिल हैं। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव में 219 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापस लेने के आखिरी दिन 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इन 25 उम्मीदवारों में से 5 कश्मीर रीजन से और 20 जम्मू रीजन से हैं। पहले चरण के चुनाव में पंपोर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जबकि श्री गुफावार बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जांच के बाद 36 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए। इन उम्मीदवारों में जेल में बंद अलगाववादी कार्यकर्ता सरजन अहमद वागे उर्फ सरजन बरकती का नाम भी शामिल था। बरकती के अलावा 13 निर्दलीय और दूसरे दलों के कई उम्मीदवारों के नामांकन भी खारिज हुए थे। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 280 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। पहले चरण में 9 महिला उम्मीदवार भी दावेदारी पेश कर रही हैं, जो चर्चा में है। इन महिला उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, राजनीतिक दिग्गज से लेकर नए चेहरे भी शामिल हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में लैंगिक विविधता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने पहले चरण में 2 महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी, PDP और बसपा ने 1-1 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि शेष 4 निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया, वहां के दलित समुदाय को, वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन का फायदा मिलने लगा, तो एक बड़ी आबादी जो रिजर्वेशन से वंचित थी, 370 हटने के बाद उसका फायदा दिखने लगा। जो राज्य का हिस्सा है, जो करों में जो 42% का पार्ट है, वित्त मंत्री सीतारमन ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल फंड का प्रोविजन किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जा देने पर विचार होगा। तो जहां पर एक जो पहले फंड की जो पंपिंग नहीं हो पाती थी, अब जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए केंद्र अधिक से अधिक मदद कर रही है और 370 हटने के बाद कई सारे जो फायदे हुए, उसमें एक बड़ा फायदा दिख रहा है, दलित समुदाय, वाल्मीकि समाज और उनके रिजर्वेशन का फायदा उठाने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। दरअसल आर्टिकल 370 के हटने के बाद से यहां की सामाजिक और आर्थिक तरक्की तो हुई, साथ ही सियासत का मिजाज भी बदल गया है। दरअसल लोगों में मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर उत्साह बढ़ा है, तो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में दिलचस्पी भी यहाँ के लोग दिखा रहे हैं और इस लिहाज से भी इस बार का चुनाव पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वादी में आर पार के हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।